बाहुबली मूवी तो आपने देखी ही होगी, जो भारत की सुपरहिट मूवीज में से एक है। और आपको बाहुबली फर्स्ट तो याद ही होगी, जिसमें विलेन का रोल निभा रहे काल के तो आपको याद ही होगा, जिसकी भाषा भी आप शायद नहीं पहचान पाए, और जिसको मारने के पश्चात बाहुबली को राजा घोषित किया गया। वो असल जिंदगी में कैसे हैं और क्या है उनकी कहानी, ये हम आज आपको बताएंगे। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द रियल फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका असली नाम प्रभाकर है। प्रभाकर साउथ के जाने माने एक्टर हैं। प्रभाकर बाहुबली से पहले ही कई मूवीज में काम कर चुके हैं। प्रभाकर तेलंगाना के महबूब नगर जिले के एक छोटे से गांव कोडंगल के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान प्रभाकर ने बताया कि वो कभी फिल्मों में काम करना नहीं चाहते थे। प्रभाकर ने कहा कि मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और मैं क्रिकेटर बनने का सपना देखता था। और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी एक हाउसवाइफ है। उनके बेटे का नाम श्री राम राजामौली है। यह नाम उन्होंने फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली के नाम पर रखा, क्योंकि प्रभाकर मानते थे कि आज वो जो कुछ भी है वो सब SS राजामौली के कारण है। एक समय ऐसा भी था जब प्रभाकर को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति ने उनको रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के इंतजार के बाद भी जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तब वो नौकरी की तलाश में हैदराबाद आ गए। प्रभाकर को पता चला कि SS राजामौली की फिल्म मकदीरा में कुछ लोगों की ज़रूरत है, और उस फिल्म में उनको एक अच्छा रोल भी मिला। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखी। उस टाइम प्रभाकर को हर महीने 10,000 रुपये मिलते थे। इसी से प्रभाकर ने पहले अपना सारा कर्जा चुकाया और बाद में उनके जीवन में एक न्यू टर्न लिया। तो ये थी कालके का रोल निभा रहे प्रभाकर की असल जिंदगी के बारे में। परंतु फिल्म में तो उन्होंने धमाका ही कर दिया, जिससे कि वो अभी एक सुपरस्टार हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।